तो हम लोग आ गए हैं मोरबे डैम। ओके चलो ये देखो, ये एंट्री है यहाँ से, इसका बहुत ही छोटा सा एंट्री वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ऐसा बोर्ड दिखेगा, नवी मुंबई महानगर पालिका, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा बोर्ड है, ओवरलुक मत करना, स्पीड में आएंगे तो ओवरलुक हो जाएगा। यहाँ से इसका एंट्री है और जैसी एंट्री होता है तो नज़ारा देखो, वाह दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल। वो सब आगे जा रहे हैं वहाँ पे, अपन चलेंगे उधर। वाह दिस इज लुकिंग सुपर्ब। वो हम लोग नीचे से जा सकते हो, देखो नीचे जाके लोग बैठे कुछ। चलो आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकिंग वाला एरिया है, यहाँ पे आप बच्चों को भी ला सकते हैं, बच्चे लोग इन साथ हमारे साथ आए हैं, ठीक है। चलो नीचे चल के बात करता हूँ। ये है मोरबे डैम, ठीक है। चौक से पहले एक अगर आप टूअर्ड पनवेल से आ रहे हैं तो चौक से पहले ही एक टर्न आता है, वहाँ से टर्न ले लेने का, ठीक है, वो सीधा आपको यहाँ पर लेके आएगा। ये जो है ये इरशालगढ़ फोर्ट है, मोरबे डैम के जस्ट पीछे इस तरफ। अगर आप मोरबे डैम से सीधा एक लकीर खींचेंगे इस तरफ तो आपको बाम्बू डैम मिलेगा। बाम्बू डैम का आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा रहेगा ना, वही इसके पीछे है। आज हम लोग वो उधर से लेकर, ये एक बड़ा रिजर्वायर है जो हम लोगों का, ये इरशालगढ़ फोर्ट है, वो इरशालगढ़ का और आजू बाजू का जितना भी हिल है उसका सारा का सारा पानी जमा होकर यहाँ पर आता है। और इस पानी को बांधने के लिए जो डैम बनाया है, धरण बनाया है, वो है मोरबे डैम। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। इधर दगड़ फेंक कंपटीशन चालू लगता है, सब लोग इधर फेंक रहे हैं दगड़, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जगह है ये एक फुल डे पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सब जगह पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ पे खेल तो नहीं सकते भरपूर, लेकिन हाँ थोड़ा आगे जाएंगे ना, मुझे कुछ ऐसे किनारे ऐसे भी जगह दिख रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर आप लोग बच्चों को खेल सकते हैं। शूज़ पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे खाने पीने का फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आप होल डे कैंपिंग के लिए आ रहे हो इधर, जैसे कि फुल डे पिकनिक मनाने के लिए, बेस्ट फॉर मॉनसून एंड विंटर सीजन, समर सीज़न में नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ के छाव वाव भी उतने ज़्यादा है नहीं, है लेकिन फिर वो दूर है एक्चुअली, वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो खाना पीना भरपूर लेके आओ। ये पानी यहाँ पे धरन का पानी है, लेकिन ले देखिए ये साफ पानी भी है मुझे लगता है, उबाल कर आप यूज़ करेंगे क्या क्या करेंगे आप, उससे अच्छा है घर से भरपूर पानी लेके आओ, खाना लेके आओ अगर कुकिंग करना है आप लोगों को तो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कुकिंग का जगह है। मतलब अगर 10 जन आते हैं, खेलते हैं, टाइम पास करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रुप बैठकर कुकिंग कर सकता है, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्योंकि जगह थोड़ा आइसोलेटेड है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो यहाँ पे कचरा मत फैलाओ, गारबेज बैग लेके आओ। आप पीते हो, खाते हो, नहाते हो, धोते हो, जो भी करते हो गारबेज बैग लेके आओ। कारण कि हम लोगों के शहर में जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले सफाई अभियान करते हैं जो गारबेज कलेक्शन, वो गांव में नहीं होता है। तो अगर आपने एक कैडबरी डेयरी मिल्क का भी कागज़ छोड़ दिया वो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, उससे अच्छा उठा के लेके जाओ और कचरा पेटी में डाल दो। बहुत सुंदर जगह है, बेस्ट फॉर मॉनसून एंड विंटर्स, समर सीज़न में हालत पतली हो जाएगी आप लोगों की। रास्ता जो फोर व्हीलर है वो यहाँ तक आ सकता है और बहुत सारे आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी जगह है, अनपेड पार्किंग, वो भी उसमें पैसे नहीं लगेंगे आपको पार्किंग के लिए। बहुत सुंदर जगह है, नज़ारा ले सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं सुबह शाम आके। अगर आपको आपके गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है और आप बहुत उदास है तो उदास होके भी बैठ सकते हैं आप इधर। आपके अगर गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया है और आप लोगों को एंजॉयमेंट करने का इधर आके, एंजॉयमेंट मतलब समझ रहे हो ना, एंजॉयमेंट मतलब अगर सिर्फ दो जन को आने का है तो भी अच्छा जगह है इस प्यार व्यार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा एकदम फुल पार्टी चालू है इधर फिलहाल बच्चों के लिए। हम लोग जो आए वो सिर्फ 2 ही घंटे के लिए आए हैं,
ये 2 घंटे के लिए भी हम लोग भरपूर पानी, नाश्ता वास्ता, थोड़ा स्नैक्स वैक्स लेके आए, लेकिन खाना वाना नहीं लाए क्योंकि 2 ही घंटे का है। थोड़ा सा आए, विजिट किया, फोटो शूट वोटो किया, उसके बाद कल ठीक। अगर आप फुल डे के लिए आ रहे हो तो भी इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, खाना पीना साथ में लेके आओ और कचरा मत करो। ठीक है, तो मोरबे डैम का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो जानकारी चाहिए मेरे व्लॉग से वो मिल गया होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि अपार बढ़ती रहे। टाटा, टेक केयर, चीरियो, लव यू गाइस, बाय बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट न्यू लोकेशन।